आज अगर हम लोग अलायदा हुए हैं तो सिर्फ आप लोगों की जिद की वजह से। मियां, ये जिद नहीं है। हम भी उन लोगों से नफरत करते हैं, मगर बात ये है कि अब आप लोग हिंदुस्तान फौज से डरने लगे हैं, उनसे घबराने लगे हैं। आप लोग उन लोगों की तरह काफिर हो चुके हैं। बाबूजी, अब काफी थक गए हैं, अब पहले आराम कर लीजिए, बातें तो बाद में होती रहेंगी। नहीं नहीं बेटे, बाबूजी आप प्लीज थोड़ा सा रिलैक्स। तुम्हारे साथ इस वक्त बात करना बड़ा जरूरी है बेटा। क्या बताऊं मैं, एक मन पे एक बहुत बड़ा बोझ है, से बात करके शायद हल्का हो जाए। काम की अब क्या जरूरत है बाजी? आप अपनी आंखें देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कितने दिनों से आप सोए नहीं हो। बाजी, आप हमेशा कहते हैं कि जान है तो जहान, और अब आप खुद ही अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे। चलिए बाजी, पहले आप सो लीजिए और पीके तुम ऑफिस में फोन करके बोल दो कि तुम आज नहीं आ रहे हो, ठीक है? हाँ ओके। बाबूजी आप सब उठ जाएंगे, फिर लंच पर हम सारी बातें करेंगे। हाँ चलिए बाबूजी। बेटे ये मैं लंच तक वेट नहीं कर सकता, अभी इसी वक्त तुम लोगों के साथ बात करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि। अच्छा ठीक है बाबूजी, बताइए क्या बात। बेटे ये बात मैंने तुम्हारी माँ को नहीं बताई, वैसे भी उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। क्या हुआ माँ को बाबूजी, क्या हुआ माँ को? अस्थमा का दौरा पड़ा था। अरे बाबूजी, तो आपको हमें बताना चाहिए था, फोन तो करना चाहिए था। हाँ बाबूजी, आपको फोन तो करना चाहिए था ना। देखो फिक्र की कोई बात नहीं, आराम करने के बाद और दवाई लेने के बाद अब उसकी तबीयत पहले से अच्छी है। तो फिर क्या बात है बाबूजी? ठीक है, देख बेटा पहले तो तू अपने गुस्से को काबू में रखना, क्योंकि बात बहुत पेचीदा है बेटा। अच्छा ठीक है, ठीक है बाबूजी, आई प्रॉमिस मैं गुस्सा नहीं करूंगा। अब बताइए क्या बात है? बात मनीष से जुड़ी है ना? हाँ देखो बेटे, मैं ये बात तुम्हारी माँ के साथ तो शेयर ही नहीं कर सकता, और तुम लोगों से मैं छुपा नहीं सकता। बाबूजी आप शांत रहिए और दिल खोल के बताइए कि आखिर बात क्या है। देखो ये अपना मनीष जो है, ये कुछ दिनों से अजीब सी पार्टियों में जा रहा है। हाँ तो ठीक है ना बाबूजी, अगर आपको मनीष का पार्टी में जाना अच्छा नहीं लगता तो आप मना कर दीजिए, नहीं जाएगा पार्टी में बस। पहले भौजी की बात तो सुनो, बाद में सोल्यूशन निकालना। पहले बात सुन लो, फिर उसके बाद तुम्हें लगा कि मैं गुनहगार हूँ तो फिर मुझे डांट लेना जितना चाहते हो। ओके भौजी आई एम सॉरी, आपका ये क्या बात है? देखो बेटा वो इन पार्टियों में बहुत लेट जाता है हमारे सो जाने के बाद, और सुबह बहुत जल्दी आता है हमारे उठ जाने से पहले। अब नहीं पार्टियों में क्या होता क्या है बाबूजी, कहीं मनीष ड्रिंक तो नहीं करने लगा फिर से? नहीं, शराब तो नहीं पीता वो, लेकिन
दो दिन पहले कोई जितेंद्र दास साहब घर में मुझे मिलने आए थे। उन्हें कहा कि मनीष की और उनकी बेटी की बड़ी दोस्ती हो गई है और उनकी बेटी प्रेग्नेंट है। उन्होंने ये भी बताया कि अब अबॉर्शन के लिए बहुत देर हो चुकी है, क्या करें वो। बाबूजी हो सकता है कि मिस्टर दास झूठ बोल रहा हो। झूठ क्यों बोलेंगे वो, ये उनकी फैमिली की इज्जत का सवाल है। बेटी प्रेग्नेंट है, वो तो डीएनए टेस्ट करने को तैयार है। बेटी जब बेइज्जत हो जाए तो उससे बड़ी जिल्लत दुनिया में कोई नहीं होती। अजी आप शांत हो जाइए, कोई बात नहीं, हम लोग मिलके कोई ना कोई सलूशन निकालेंगे। बेटे सोचा था कि बहुत अच्छा फौजी हूँ, मान था, मुझे फख्र था इस बात का, बड़ा अच्छा दादा हूँ। मैंने बेटे तुम्हारे बाप से वादा किया था तुम्हें अच्छी तरह से बड़ा करूंगा, परवरिश करूंगा तुम्हारी। फेल हो गया मैं बड़ी बुरी तरह से। अब देखो क्या हुआ क्या है। अरे जितनी इज्जत कमाई थी जिंदगी भर में हमारे खानदान ने, उस पर उस लड़के ने पानी फेर दिया। बात फैलेगी तो लोग क्या कहेंगे हमारे खानदान के बारे में। भाजी ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा भाजी। लीजा पानी ये लीजिए, और अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है, आप चिंता मत कीजिए, सब सही हो जाएगा। क्या बताऊं बेटी, क्या बताऊं। क्यों, क्या हो गया? एक जरा सा काम दिया था वो भी नहीं कर सके। भाईजान काम छोटा था लेकिन खतरा बहुत बड़ा था। वहां हर जगह दुश्मन की फौज चप्पे चप्पे पर बैठी हुई थी, जैसे उन्हें पहले से इल्म हो गया था कि हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। मजा तो तब है जब शेर के मुंह से शिकार छीना जाए। तुम क्या सोच रहे थे कि वहां मकबल के कालीन बिछाने तुम्हारा इंतजार हो रहा होगा, और वहां की फौज कहेगी आओ नाजिश मियां इस पुल के नीचे बारूद बिछा दो। कमाल करते हो, इस काम के लिए दो दिन रह गए हैं। और भाईजान मेरे दिमाग में एक बात और, क्यों ना इससे कुछ और बड़ा किया जाए जिससे दुश्मन की फौज का ध्यान उस तरफ चला जाए, और तब तक के लिए अदला बदली का सिलसिला रुक जाए और फिर हम सोचेंगे कि हमें करना क्या है। लगता है कुदरत ने थोड़ा दिमाग तो अता किया है। पहली बार कोई अकलमंदी का काम किया, सोचने दो। अरे हाँ, उस दिन गुलरेज भाई दुश्मन की किस कर्नल का नाम ले रहे थे? अजन दिमाग के साथ साथ मेरी याददाश्त भी बहुत अच्छी है, और खास करके दुश्मन का नाम तो मैं भूलता ही नहीं। उसका नाम था इंदर मल्होत्रा। हाँ इंदर मल्होत्रा। उस इंदर मल्होत्रा की वजह से हमारे कई साथी शहीद हो गए, और जरूर इस अदला बदली को भी वही अंजाम देगा। एक काम करो, इससे पहले कि ये अदला बदली हो क्यों ना उसी की बदली कर दी जाए। मेरा मतलब है सीधे नीचे से ऊपर तक का तबादला। वाह भाईजान सोचा तो आपने बहुत खूब, पर क्या ये मुमकिन है? सब कुछ मुमकिन है। ये अफसर बहुत ही बेखौफ किस्म का है, इसे कुछ वक्त पहले सस्पेंड किया गया। इसकी एक माशूका थी जो हमारे लिए काम करती है, जब इसे पता चला तो इसने उसे गिरफ्तार करवा दिया, और हमारे एक भाई क्या नाम था उसका, सरफराज, उसे भी गोली मरवा दी। फिर तो इसको ऊपर पहुंचाना ही हो। ये अफसर घूमने फिरने का बहुत शौकीन है, अक्सर देर रात तक घूमता करता है। तुम एक ऐसा आदमी ढूंढो जो उनकी तरफ का हो, पैसा फेंको और काम निकलवाओ। हैं,
भाईजान मेरी नजर में दो भाई ऐसे हैं जो पहले भी पैसों के लिए सब काम कर चुके हैं। मैं आज ही उनसे बात करूं। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, जल्द से जल्द इस अफसर को रुखसत करो। और हाँ, हमारे और इनके बीच में एक आदमी और होना चाहिए, क्योंकि ये पकड़े तो जरूर जाएंगे और उन्हें ये नहीं पता होना चाहिए कि हम कौन हैं। भाईजान आप बस इत्मीनान रखें। अरे इत्मीनान कैसे रखूं? एक के बाद एक हमारे आदमी शहीद होते जा रहे हैं और ऊपर से फौज का ये रवैया, इत्मीनान कैसे होगा? तुम एक काम करो, उस इंदर मल्होत्रा को उड़ाओ और इधर से हमारी फौज के भी एक दो आदमी उड़ा दो। तब इन्हें पता चलेगा कि अपनों के जाने का गम क्या होता है। जी भाई। सर। हाँ बेटा, बैठो। सर क्या बात है, आज अब वापस नहीं गए? बेटा पंजाबी में एक गाना है, ये लगी वाले कदी भी ना सोंदे, तेरी के वे आंख लग गई। सर मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूं। लिखने वाला ये सवाल करता है कि जिसका दिल लग जाता है उसकी आंख नहीं लगती, तो तेरी आंख कैसे लग गई? समझे? I understood it, sir. Sir, actually, प्रिपरेशन इतना हेक्टिक चल रहा है ना, घर जाने या सोने का बात सोच ही नहीं जा सकती। कमाल है, मतलब तुम्हारा ये बंगाली ब्रेन बहुत शार्प है, आई मस्ट एडमिट। थैंक यू सर। सर अगर आप पलटन छोड़ के चले जाएंगे ना, हमारा दिल नहीं लगेगा। कौन कह रहा है मैं पलटन से जा रहा? मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं यही हूं। मैं पलटन छोड़ के क्यों जाऊंगा? जो पलटन मेरी धड़कन है, मेरी जिंदगी है। ठीक है भाई, कोई मेरा जूनियर आके आईसी बन जाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मुझे कॉन्शियस होने की कोई जरूरत नहीं। मतलब अगर मुझे अपने किसी जूनियर को सल्यूट करना पड़ेगा बिकॉज ही इज द आईसी, आई हैव नो इश्यू। कॉन्शियस तो वो होगा बल्कि कि उसका सीनियर उसे सल्यूट कर रहा है। राइट? आई थिंक यू राइट सर। सीओ सर आज ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, अभी तक कोई ऑफिसरिंग सीओ तो आया नहीं, तो इन दैट केस आई मीन एज पर द कन्वेंशन यू आर द ऑफिसरिंग सीओ। देखो मेरा, इससे पहले भी जब भी सीओ सजवान बाहर गए हैं, एक सर्कुलर इश्यू हुआ है इसमें मुझे ऑफिशिएटिंग सीईओ बनाया गया है, लेकिन इस बार ऐसा कोई भी सर्कुलर इश्यू नहीं किया, तो मैं तो ये समझ के चल रहा हूं कि मैं अभी भी 2IC। सर लेकिन अगर इन केस यू नो सम इंपॉर्टेंट डिसीजन इज टू बी टेकन जहां सीईओ की जरूरत है, तो फिर क्या होगा? दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती अमिताभ, मतलब अगर एक डिसीजन लेना है तो लेना है, और अगर कुछ अर्जेंट है तो ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स भेज देंगे, वो लोग फैसला लेंगे। राइट? दिस इज नॉट फेयर सर। अरे व्हाट इज नॉट फेयर यार, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। पर क्या ये फेयर एंड फेयर लगा रखा है? हम लोग फौज में है, देश की सेवा में है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। ये प्रमोशन, रैंक, सर्कुलर ये तो होते रहेंगे यार, इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो फौज का शुक्र गुजार हूं कि उन्होंने मुझे कोर्ट मार्शल करके फौज से निकाला नहीं, मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। फैक्ट मतलब दे हैव डन अ बिग फेवर। आई गेट इट सर। काम करें चलें। चलिए सर। एक मिनट, अच्छा जरा थापा को अंदर भेजो एंड आई एम पैकिंग एंड लीविंग फॉर द डे। राइट? चलो बताओ, लेट्स गो यार। जैन थापा, थापा एक काम करो, मेरा सामान गाड़ी में रखवा दो, और सुनो सामान रखने के बाद तुम डायरेक्टली अपने बैरक्स चले जाना। सॉरी सर, मैडम ने बोल के रखा है कि साहब को डिनर करा के ही मैं बैरक में जाऊंगा।
किया तो मैडम से कह देना कि तुमने साहब को डिनर खिलाया और तुम चले गए, राइट? सॉरी सर, ना तो मैं आपके साथ ही झूठ बोल सकता हूँ और ना ही मैडम के साथ। ठीक है, जाइए आप। यार अमिताभ, ये अजीब दुविधा है, मतलब बीवी छोड़ के तो गई है लेकिन अपना पहरेदार मेरे सर पे बिठा के गई। चलो लेट्स गो। चलिए सर। दीदार भाई, क्या बात, कहाँ है सब लोग? मगर देख, कहा है कि आजकल कोई समय पर दिखता ही नहीं एक साथ, है न पेट्रोलिंग पर साथ होते हैं न ड्रिलिंग पर, मगर देख चल कर रहा है, है? अरे राम भाई, तुम हर तीन चार दिन में एक ही राग गाते। अरे सदब गया वो अपनी क्वार्टर गार्ड की ड्यूटी पर, वो गफूर और जुनैद आलम को पकड़ा था ना उनके पास, और मैं और जौहरी तो तुम्हारे साथ ही है। ये तो ठीक है, पर अपना वो कहाँ है? अपना अपना दीवान सिंह अभी लौटते समय पेट्रोलिंग से साथ में था, फिर कहाँ गया? दीवान भाई की तो बात ही मत करो, जैसे ट्रक से उतरा बोला बिल्लू सिंह साहब से मिलके आता हूँ, उसके फिर से पेट में दर्द हो गया और उसे फिर से छुट्टी चाहिए। छुट्टी? भाई उसका तो हमेशा का यही नाटक है, कोई भी बहाना बोलेगा और आराम करेगा और एक बढ़िया सा एक्शन मूवी देखेगा अपने मोबाइल में और जोश आ जाएगा और फिर गन लेकर सीधा खड़ा हो जाएगा। अरे जाने दीजिए जॉनी भाई, तू कहा है कि दीवान भाई में बहुत बचपना है, समय के साथ ठीक हो जाएगा, है? सही कह रहा हूँ, ऐसे थोड़ा बहुत बचपना तो हम में भी, मासूमियत अगर इंसान के अंदर से निकल जाए तो शायद इस दुनिया में सच्चाई ना रहे। बोला यार, ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली दीदार मियां। अरे सलाम मियां, आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे एकदम, वैसे क्या बात है सदक मियां, आजकल अपने सरहद पार वाले दोस्तों का बड़ा ख्याल रखा जा रहा है? नहीं मियां, वो तो हमें ड्यूटी मिली है, ड्यूटी तो निभानी है ना। सर आपने ये बात सही बोली, सरहद पार वाले दोस्त वो दोस्ती तो है हमारे, बस जरा सा रास्ता भटक गए और हम सब पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको सही राह पिलाने की। बहुत सही कहे सदफ भाई, बहुत ही सही कहे। सदफ टेल मी वन थिंग यार, उन लोगों ने तुमको कुछ बताया कि वो लोग वहाँ कैसे प्लानिंग करते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, मतलब वो लोग हमारा कंट्री पर प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करना चाहते हैं? नहीं भाई मियां, कुछ उन्होंने इतना बताया था नहीं, पर मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी वहाँ पे। लाइक मतलब व्हाट? मतलब जैसे इन लोगों को हमारे मजहब मतलब इस्लाम के बारे में बहुत ही कम जानकारी है, इनके जो सरगना है इनको जो सिखा पढ़ा के भेजते हैं बस ये उसी को अपना बेस बनाकर जिहाद की राह पर चल देते हैं। सदफ मियां, तुम्हें इतना कुछ कैसे मालूम? उन्होंने कुछ तुमसे कहा या कुछ करा? नहीं मियां, मतलब कुछ करा तो नहीं, पर मुझे इस्लाम के नाम पर अपने साथ जुड़ने की बार बार कोशिश की, कभी अल्लाह के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर मुझे पूछा, मतलब खैर मुझे हर तरह से टटोलने की कोशिश की, और फिर जब मुझे ये पता चला कि मैं मुसलमान हूँ इसकी वजह से मुझे सब बात कर रहे हैं, तब मैंने ये बात जानी कि इनके जो सरगना लोग हैं इनका कैसे ब्रेन वॉश करते हैं। अरे कई बार तो मुझे पैसों को लालच भी दिया। पैसा? वैसे वैसे सदफ भाई एक बात तो सही है कि आपको जो ईमान है ना वो डिगा नहीं। राम भाई, मुसलमान का मतलब है मुसल्लम ईमान, मतलब इरादे का पक्का हूं, वो तो मेरा। पीके, व्हाट इज द मैटर, तुम घर पे नहीं गए अभी तक? तुम्हारा ऑफिस का लाइट चालू देख के हम देखने के लिए आ गए। बस कुछ ऐसे नहीं, प्लीज हैव सीट। पर आप लोग इतना देर तक यहाँ कैसे हो गए? वो एक्चुअली क्या हुआ पीके सर, मैं और सुब्बू सर बैठे ऑपरेशन के लिए एक प्लान चौकआउट कर रहे थे और पता ही नहीं चला कि डिस्कशन करते करते कितनी देर हो गई, और जब ऑफिस से निकले तो आपकी लाइट ऑन देखी तो आपके पास चले आए। हाँ वो ठीक है, तुम इतना टेंशन में क्यों दिख रहे हैं? यानी प्रॉब्लम घर पे सब ठीक है ना? पीके सर, आपके टेबल पर सर दर्द की गोलियां,
सब ठीक तो है ना? सर दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? बाबूजी आए, उन्होंने बताया कि मनीष ने कुछ रेप पार्टीज में जाना शुरू कर दिया है और वहां उसकी दोस्ती किसी लड़की से हो गई है। अगर बात लड़की से दोस्ती तक होती तब तक ठीक था, बट पता ये चला है कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है? हाँ। बट मनीष एग्री करता है ऐसा, हाउ कैन दे प्रूव दैट मनीष इज ओनली द कल्प्रिट? यार एक्चुअली बाबूजी आए, उन्होंने बताया कि लड़की के फादर ने क्लेम किया है कि अगर हम लोग चाहते हैं तो वो लड़की का डीएनए टेस्ट करा के ये प्रूफ कर देंगे कि मनीष इज द कल्प्रिट। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। यार ये तो सच में बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है, इस बारे में तो सीरियसली आपको सोचना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आता कि बाबूजी इस उम्र में कब तक सफर करेंगे। ठीक है सर, आप मेरी बात मानिए, आप घर चले जाइए इमीडिएटली। यस पीके, तुम इमीडिएटली लीव लेके गो टू द प्लेस एंड टेक द चार्ज ऑफ द सिचुएशन, दिस इज अ वेरी सेंसिटिव केस। हाँ सुबू, आप लोग सही कह रहे हैं, पिछली बार मनीष ने नशा करके कुछ लोगों से झगड़ा किया और बाबूजी घंटों बैठे रहे थाने में उसे छुड़ाने के लिए, लोगों के हाथ जोड़े रिक्वेस्ट करी, यार उनकी आंखों में आंसू मुझसे नहीं देखे जाते और मनीषा कुछ समझने के लिए तैयार नहीं। उसने लीजा की ज्वेलरी उठाकर बेच दी, इट वॉज इंसेस्टुअल ज्वेलरी। लीजा जैसी समझदार लड़की थी कि उसने प्रॉब्लम को समझा, अदरवाइज कोई और होता तो पता नहीं क्या क्या होता। अब बाबूजी उसकी वजह से लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, मैंने कभी नहीं देखा कि उस आदमी ने कभी शर्म से किसी के सामने गर्दन झुकाई हो, लेकिन मनीष की वजह से यह सब झेलना पड़ रहा है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं यार। नीलू, उस पर चिल्लाकर क्या होगा? सॉरी, इट्स ओके, मैं आपकी टेंशन समझती हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब अपना काम कर रहे हैं, उन्हें बाहर तो आने दीजिए, वो आपसे खुद बात कर लेंगे। ओके, थैंक यू। सब ठीक हो जाएगा।